हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो बीएससी फाइनल और बीए फाइनल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, हम इसमें जो पेपर है आपका 2020 जो लास्ट ईयर हुआ था, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे उनका जो आंसर है हमें किस मेथड के अकॉर्डिंग देना है। आज हम वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि जो ऑप्शंस होते हैं और लेवल एक से होते हैं, लेकिन उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है उनका आंसर कैसे चूज किया जाता है, उनके बेसिक कंसेप्ट कैसे क्लियर होते हैं, किस तरह किया जाता है, वो हम आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। जैसे आप ये क्वेश्चन हैं, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप ध्यान से देखें। क्या है आपका कि इन सिंप्लेक्स मेथड द ईच इटरेशन, यानी सिंप्लेक्स मेथड के प्रत्येक स्टेप्स में क्या क्या होगा। नंबर फर्स्ट है मूव्स टूवर्ड ऑप्टिमलिटी, ये तो होता ही है कि हम जो ऑप्टिमलिटी की ओर से चलते हैं। मूव्स टूवर्ड्स फिजिबिलिटी, वो तो पहले फिजिबल होता है सोल्यूशन, उसको फिर हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं, तो आपका इसका मीन ये तो होगा ही नहीं है। नेक्स्ट है मूव्स टूवर्ड्स ऑप्टिमलिटी मेंटेनिंग फिजिबिलिटी, अब ये भी आपका करेक्ट है, क्योंकि जब हम किसी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो उसकी ऑप्टिमलिटी की ओर कन्वर्ट होते हैं और फिजिबिलिटी उसको मेंटेन रहे, फिर नन ऑफ दीज, ये इसमें होगा नहीं। तो इसका मीन्स क्या हो गया कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनको आंसर हम बेस्ट कैसे देंगे। देखो तो ये केवल क्या है कि मूव टूवर्ड फॉर यानी ऑप्टिमलिटी, यानी ऑप्टिमलिटी तो होता है, साथ साथ उसकी फिजिबिलिटी मेंटेन रहती है, तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो मूव टूवर्ड्स ऑप्टिमलिटी मेंटेनिंग फिजिबिलिटी रहेगा। ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग ए एलपीपी, यानी जो जनरल मेथड है आपका किसी भी एलपीपी को सॉल्व करने के लिए वो क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि सिंप्लेक्स मेथड यूज करते हैं। जनरल मेथड है वो सिंप्लेक्स मेथड होते हैं। अब देखो आपका फेज टू मेथड दिया हुआ है, फेज टू मेथड क्या होगा कि ये आपका जो मेथड है ये एक स्पेशल केस है और स्पेशल केस में अप्लाई होता है, लेकिन आपका कुछ इटरेशंस के बाद में फिर वो सिंप्लेक्स मेथड से ही सोल्व होता है। ऐसे ही आपका बिगम मेथड है, बिगम मेथड में भी क्या करते हैं कि आपका कुछ इटरेशंस हम बिग मेथड के रूल के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं, लेकिन जो लास्ट में फिजिबिलिटी टेस्ट फिजिबिलिटी लगा करके ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं तो सिंप्लेक्स मेथड का ही यूज करते हैं। नन ऑफ दीज में होगा नहीं है, तो इसका मीन्स इनमें से जो बेस्ट है वो आपका है सिंप्लेक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंप्लेक्स मेथड इज जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग एलपीपी। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका है कि इन बिगम मेथड एम स्टैंड फॉर, देखो इसमें एम दिया हुआ है और एम क्या होता है आपका ए, यानी एक लार्ज पॉजिटिव नंबर होता है, लार्ज पॉजिटिव नंबर होता है, यानी एक बहुत बड़ी संख्या होती है जिसको हम यहाँ पे लेके चलते हैं, ये बिगम मेथड का रूल है। उसमें बिगम मेथड यानी बिगम मेथड जो दिया हुआ है और एम स्टैंड क्या करेगा, देखो ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव प्राइस ये तो होगा ही नहीं, दूसरा वेरी स्मॉल नेगेटिव प्राइस ये भी नहीं होगा, वेरी लार्ज पॉजिटिव प्राइस ये इसमें लिया जाएगा। दैट्स क्लियर, क्या है आपका एक लार्ज पॉजिटिव नंबर होता है जिसको हम नेगेटिव साइन के साथ बिगम मेथड में अप्लाई करते हैं। यानी इस तरह के जो क्वेश्चन आपके आते हैं इनको इसी तरह हमें सोल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं, इन टू फेज मेथड फॉर सॉल्विंग एल पी पी इन फेज फर्स्ट द न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टेकन एज, देखो जब हम फेज फर्स्ट और फेज सेकेंड की बात करते हैं, देखो फेज जो फर्स्ट होता है, फेज फर्स्ट में जो हम एक जो फंक्शन कंसिडर कर चलते हैं जेड डैश से लेकर चलते हैं, मैगजिमम हो या मिनिमम कोई से भी लेकर चलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो उसमें जो आपके बेसिक वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू जीरो लेके चलते हैं, जो उसमें हम आर्टिफिशियल वेरिएबल लेके चलते हैं उसमें माइनस वन इंटू आर्टिफिशियल वेरिएबल लेके चलते हैं, और बाकी जो वेरिएबल है जिसमें स्लैक हो सरप्लस हो उनकी वैल्यू भी जीरो लेके चलते हैं। तो इसका मीन्स क्या होगा कि सम ऑफ ऑल आर्टिफिशियल वेरिएबल लेते हैं, फिर सम ऑफ ऑल आर्टिफिशियल वेरिएबल विद साइन नेगेटिव, देखो आपका ये तो होता ही है सम तो लेते हैं लेकिन किस साइन के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, प्लस या माइनस, तो आपका कौन सा है माइनस के साथ लेके चलते हैं। नेक्स्ट सम ऑफ ऑल गिवन वेरिएबल, सभी को नहीं लेके चलते हैं, सभी वेरिएबल इसमें नहीं आते हैं,
क्योंकि स्लैक सरप्लस और बेसिक जो वेरिएबल है उनकी जो कॉस्ट है वो जीरो लेके चलते हैं। फिर नेक्स्ट है सम ऑफ ऑल स्लैक वेरिएबल्स, इनकी जो कॉस्ट हम जीरो लेके चलते हैं नेगेटिव नहीं है, तो यानी ये इसमें यूज़ नहीं होगा, ये यूज़ नहीं होगा, और इन दोनों में से आपका जो यूज़ है जो बेस्ट है वो माइनस सम ऑफ ऑल आर्टिफिशियल वेरिएबल वो फेज फर्स्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। दैट्स क्लियर। तो इसका पार्ट कौन सा हो गया, यानी बी इसका आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज डेंट इज डेवलप्ड द सिंप्लेक्स मेथड इन फॉलोइंग ईयर, यानी आपका जो जॉर्ज डेंटिस ने जो एलपीपी में सिंप्लेक्स मेथड जो डेवलप्ड किया था वो किस ईयर में किया था, तो ये आपका जो ईयर है वो 1947 है, ये ध्यान रखना है सभी का कि 1947 में ही इन्होंने किया था, 40 में कुछ नहीं है, 45 में नहीं, 56 में नहीं, ओनली क्या है 1947 उसमें ये डेवलपमेंट किया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वाज डेवलप्ड बाय ए कार्नर। तो एक कार्नर का मीन्स ये होता है कि जैसे हमारा डेंटिस्ट ने सिंप्लेक्स मेथड को यहाँ पे अप्लाई किया, इसमें डेवलपमेंट किया था, फेज टू मेथड इसी तरह, तो यहाँ जो बिग एम मेथड है, यानी जो बिग एम मेथड है इसको जो ड्राइव किया था वो कार्नर ने किया था। दैट्स क्लियर। इसने किया था यहाँ पे बिग एम मेथड को ए कार्नर ने डेवलप किया था। नेक्स्ट है सेवन क्वेश्चंस, सेवन्थ क्वेश्चन है, द वैल्यूज ऑफ ऑल डेल्टा जे, यानी डेल्टा जे की सभी जो वैल्यूज, फोर वेरिएबल इन ईच टेबल फॉर सिंप्लेक्स मेथड इज ऑलवेज जीरो, यानी सिंप्लेक्स जो हम लेके चलते हैं, सॉरी ये जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि वैल्यूज ऑफ ऑल डेल्टा जे, ऑल डेल्टा जे का अर्थ क्या होता है कि जब हम कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं और सिंप्लेक्स मेथड में पहुंच जाते हैं तो वहां से जो डेल्टा जे की वैल्यू मिलती है, जैसे आपका ये मान के चले कोई भी हम इस तरह का एक टेबल बना के चलते हैं, इसे बोलते हैं सिंप्लेक्स टेबल, सिंप्लेक्स टेबल, तो उसमें यहाँ पे आपका आता है सी जे, यहाँ पे आता है एक्स बी जो प्राइस होता है, और जो ये वेक्टर है वाई वन वाई टू ऐसे चलते हैं, ये कोस्ट प्राइस सी वन सी टू इस तरह चलती रहती है। यहाँ पे बेसिक होता है और यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स होते हैं रखे जाते हैं जिनकी वैल्यूज हैं, और यहाँ पे आता है आपका डेल्टा जे, यहाँ निकलती है जेड की वैल्यूज, तो डेल्टा जे में जैसा समीशन ऑफ जैसे सी आई माइनस ए निकालते हैं वैल्यूज ऐड करके, यानी सी आई में सबट्रैक्ट करके इन दोनों की प्रोडक्ट करके, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि द वैल्यूज ऑफ ऑल डेल्टा जे फॉर वेरिएबल्स इन ईच टेबल ऑफ सिंप्लेक्स मेथड इज ऑलवेज जीरो, तो इसमें सभी इटरेशंस में यानी सिंप्लेक्स जो मेथड जो यूज करते हैं तो डेल्टा जे की जो वैल्यूज है वो कहाँ कहाँ जीरो मिलती है, यानी जीरो 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 कहाँ पे आती है, तो वो आपका आता है इसमें जीरो करके नॉन बेसिक वेरिएबल्स, कौन सा होता है आपका, कौन सा आता है आपका, ये नॉन बेसिक वेरिएबल्स, बेसिक वेरिएबल की वैल्यू जीरो नहीं होती है, वो पॉजिटिव रहती है, या जो पॉजिटिव रहेगी तभी उसमें इनकमिंग और आउटगोइंग वेक्टर निकालते हैं, और जब ये आपका ये जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स है उनकी कॉस्ट जीरो लेके चलते हैं, और यदि ये आपके सभी जो वैल्यूज हैं यदि प्रॉब्लम मैक्सिमाइज हैं और सभी डेल्टा जे की जो वैल्यूज है लेस देन एट जीरो आ जाती हैं तो वो आपका सोल्यूशन ऑप्टिमम कहलाता है। आर्टिफिशियल वेरिएबल की जो वेरिएबल के जो वैल्यूज हैं वो या तो नेगेटिव होगी या फिर आपका जीरो नेगेटिव होगी कोई फिर पॉजिटिव नंबर होगा, ऐसा नॉन ऑफ दीज में आएगा नहीं, तो इसका मिस क्या है कि वो नॉन बेसिक वेरिएबल की है जिसमें इस सिंप्लेक्स मेथड में उनकी जो वैल्यूज हैं वो जीरो लेके चलते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स, यानी क्वेश्चन नंबर आपका सेवन यहाँ पे यूज करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर एलिमिनेटेड इन फेज वन ऑफ टू फेज मेथड। अभी हमने बताया था आपको कि जब हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं वो एलिमिनेटेड करते हैं इन फेज वन ऑफ टू मेथड्स, यानी फेज वन में हम दो फेज होते हैं, फेज फर्स्ट होती है, फेज आपका सेकंड होता है,
तो फेज फर्स्ट में हम किन वेरिएबल्स को रखा है ना, फॉलोइंग वेरिएबल्स एलिमिनेटेड करते हैं। देखो प्रिमल्स जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपके क्या है, जो प्रिमल वेरिएबल्स जैसे एक्स वाई जेड है, इन्हें हम रिमूव नहीं करते यानी एलिमिनेट नहीं करते, दैट्स क्लियर। स्लैक वेरिएबल इसमें और स्लैक और सरप्लस वेरिएबल को भी इसमें मूव नहीं करते, क्योंकि स्लैक वेरिएबल और इनकी जो वैल्यूज हैं वो अपने साइन के अकॉर्डिंग होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। लेकिन जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं जो हम टेबल निकालते हैं उसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, कि पहले वैल्यू निकालते हैं यानी फेज फर्स्ट में, और आपकी ऑल वैल्यूज जो मिलती हैं यहाँ पे डेल्टा जे की वो जीरो 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 मिलती है, यानी जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं उनकी जो एक जो टेबल में लगी यहाँ पे जो आती है तो उसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और जो नेक्स्ट फेज सेकंड होता है वो आपका इंडिपेंडेंट ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है, उसमें प्रिमल स्लैक और सरप्लस करके फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इफ जो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन, इफ इन द फाइनल सिंपलेस्ट टेबल 4A LPP डेल्टा जे इक्वल टू सी जे माइनस सी बी इंटू वाई जे। तो ये फार्मूला होता है डेल्टा जे निकालने का, डेल्टा जे का जो फार्मूला होता है आपका ये फार्मूला होता है, इसमें पूछा गया कि दी लेस देन जीरो है तो फॉर ऑल नॉन बेसिक वेरिएबल्स देयर सॉल्यूशंस ऑफ एलपीपी, तो उस टाइप का जो सॉल्यूशंस कैसा होगा, अनबाउंडेड ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब आपके सारी वैल्यूज आती लेस देन जीरो हो जाएगी या लेस देन एंड इक्वल जीरो हो जाएगी तो अनबाउंडेड तो होगा ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगा कि ऑप्टिमल एंड अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, ये भी इसमें अप्लाई नहीं होगा। यूनिक एंड ऑप्टिमम, ये यूनिक एंड ऑप्टिमम होगा, नन ऑफ दिस इसमें नहीं आएगा, यानी ऑप्शन आपका सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी। उसमें बताता हूँ आपका कि जब हम डेल्टा जे का यहाँ पे लेकर चलते हैं, ये ध्यान रखना है क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाएगा, जब डेल्टा जे की वैल्यू लेस देन जीरो होती है तो उसका जो सोल्यूशन आपका होगा वो ये यूनिक एंड ऑप्टिमल होगा, लेकिन जब डेल्टा जे लेस देन एंड इक्वल जीरो होगा तो मोर देन वन, यानी एक सोल्यूशन तो होगा लेकिन उसके साथ साथ आपके 2, 3, 4, 5 इस तरह भी सोल्यूशन हो सकते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि अल्टरनेटिव सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस कंडीशन में जब वो लेस देन एंड इक्वल जीरो आएगा। बस ये ध्यान रखना है यदि डेल्टा जे आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि फॉर जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स है यदि उनमें आपका डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री में से उनकी कॉस्ट किसी में से एक जीरो हो जाती है तो उसका अर्थ ये है कि उसका एक अल्टरनेट सोल्यूशन भी एग्जिस्ट होगा, उसका यूनिक नहीं होगा, फिर एक सोल्यूशन और होगा उस यानी जो सोल्यूशन दिया हुआ है उससे अलग भी निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इन दोनों से एग्जाम में पूछ जाता है, बस साइन का ध्यान रखना है, लेस देन जीरो है तो यूनिक एंड ऑप्टिमल होगा, लेकिन जब लेस देन एंड इक्वल है तो अल्टरनेट सोल्यूशन भी पॉसिबल है, अल्टरनेट सोल्यूशन पॉसिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए कि टू मेंटेन द ऑप्टिमलिटी, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि टू मेंटेन द ऑप्टिमलिटी करंट ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर ए चेंज डेल्टा सी के। देखो डेल्टा सी के दिया हुआ है यहाँ पे, चेंज कर रहे हैं इन द कोएफिशिएंट ऑफ सी के, किस कोएफिशिएंट में कर रहे हैं सी के ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल्स एक्स के, और आपका जो वेरिएबल भी कितना है उसका वो एक्स के है। तो वी हैव, तो जो डेल्टा जो फार्मूला होता है डेल्टा सी के उसकी जो वैल्यूज हैं वो क्या होनी चाहिए, आपकी लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए, इक्वल टू होनी चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल होनी चाहिए। तो ये आपकी कंडीशंस में क्या जाएगा आपका कि ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो डेल्टा सी जे है उसकी जो वैल्यूज है जो हम इसमें लेके चलेंगे तो जेड के में से यदि सी के सबट्रैक्ट करें तो वो या तो इक्वलन टू जीरो होना चाहिए या फिर उसकी वैल्यूज डेल्टा सी के की वैल्यूज उनसे इससे लेस देन होनी चाहिए। तो यानी ये आपका ऑप्शंस इसमें लिया जाएगा, क्या होगा इक्वल तो होगा लेकिन आपका हर केस में अप्लाई नहीं होगा, यानी कुछ केसेस में तो होगा लेकिन ऑल केसेस में अप्लाई नहीं होगा, कुछ जनरल जनरल टर्म्स में होगा, लेकिन जो ये आपकी डेल्टा सी के लेस देन एंड इक्वल जेड के माइनस सी के ये जनरल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यानी इसमें सब इटरेशंस में ये अप्लाई होगा, ग्रेटर देन होगा ही नहीं इसमें, ठीक है, उसकी ऑप्टिमलिटी मेंटेन नहीं होगी जब इधर ग्रेटर इक्वल टू जीरो आता, ग्रेटर देन आपका जेड के माइनस सी के आता है, नॉन ऑफ दीज पोर्शंस होगा नहीं। तो इसमें आपका ए और बी में जो आपका बेस्ट है वो कौन सा है, बी है, ए है लेकिन आपका ये कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए, लेकिन बी आपका है जनरल केसेस के लिए। तो ये ध्यान रखना है
कि जो डेल्टा सी के हैं ये हमेशा लेस देन इक्वल जेड के माइनस सी के होगा। क्लियर। इसमें जो यहाँ पे सी कैपिटल दिया हुआ है स्मॉल में सब, ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे सी के दिया हुआ है ये आपका ओनली क्या है स्मॉल सी के है, तो कॉस्ट बताता है उस वेरिएबल में, यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट है, और ये कुछ कंडीशंस को भी बताता है, ये आपका किस केस में आता है, जैसे हमने ये कंडीशन दी हुई है, जब हम सी के निकालते हैं और ये आपका बिलोंग ना करें किस में, बेसिक बेसिक में, तो डेल्टा सी के प्लस सी के जो ये वैल्यूज है आपकी, ये क्या होगी, द वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम अनचेंज्ड, ये भी ध्यान रखना है आपको। यदि ये आपकी रेंज होती है आपका क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि टू मेंटेन, आगे ना टू मेंटेन द ऑप्टिमलिटी ऑफ करंट ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो आपका दिया हुआ है फॉर ए चेंज, यदि इसमें चेंज कर दें तो उसकी ऑप्टिमलिटी भी जो आपकी मेंटेन रहे, द कोफिशिएंट ऑफ सी के ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल एक्स के किस कंडीशन में होगा वो लेस देन एंड इक्वल होगा, तो उस केस में जो फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ऑप्टिमलिटी दोनों अनचेंज रहेगा। इट्स क्लियर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एस इक्वल टू एक्स सच दैट मोड ऑफ एक्स माइनस ए इक्वल टू एफ सेलन, यहाँ पे आपका जो ये इक्वेशंस है ये एक और देन एस प्रेजेंट, तो ये क्या प्रेजेंट करेगा, यानी ये जो हमारा एक सेट दिया हुआ है ये सेट क्या प्रेजेंट करता है, इसमें दे रखा है कि ए स्फीयर, बेटा स्फीयर में ये जो आपका ई थ्री दिया हुआ है तो इसका अर्थ होता है एन, यानी जो हम इसको नोटेशंस करते हैं इसे बोलते हैं एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस, क्या बोलते हैं इसको, एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस, तो यहाँ एन कितना है आपका थ्री है, तो इसका अर्थ होता है कि थ्री डायमेंशन में है, तो जो आपकी स्फीयर की जो शेप होती है वो थ्री डायमेंशन की होती है, तो इसका मीन ये करेक्ट है। ए सर्किल, हर सर्किल हमेशा आपका एक्स और वाई यानी टू डायमेंशन में होता है, तो यहाँ पे एन डायमेंशन की स्थान पर कितना दिया हुआ है थ्री दिया हुआ है, तो यानी ये रॉन्ग है, यदि आपका टू होता तो इसमें लिया जाता, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन में क्या रखा है कि ए सर्किल इन टू डायमेंशन एन इक्लूडिंग स्पेस, ये कंडीशन दी हुई है, तो यानी आपका स्फीयर के लिए थ्री है सर्किल के लिए आपका टू है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, बी आपका इनकरेक्ट है, तो आप ऑप्शन जो डी दिया हुआ है इसमें ऑप्शन डी क्या है, ए एंड बी, ए एंड सी बोथ, तो इसका अर्थ क्या होता है कि आपका ए भी सही है सी भी सही है, लेकिन जो ऑप्शन दे रखे हैं आपका डी ए और सी तो दोनों सही हैं, तो इनमें इनमें से जो आंसर है आपका वो डी आपको देना है। डेट्स क्लियर, तो नहीं आपका ये नहीं कि पहले पढ़ लिया ए तो ए में आपको लगा दे, नहीं इसके बाद में सी भी है, ए भी है सी भी है, लेकिन ए और सी दोनों का कॉम्बिनेशन डी में दिया हुआ है, तो हमें जो बेस्ट आंसर है वो डी है, तो ये भी ध्यान रखना है हमें कि किस तरह क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट आते हैं आपका क्वेश्चन में, अब इसमें क्वेश्चन देखो 12th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए सेट एस इज सेट टू बी ए क्लोज सेट, यानी कोई भी सेट आपका क्लोज सेट कब कहलाएगा, सपोज करो एक एस इक्वल टू सेट दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट है ए वन अप करके आपका ए एन, ये आपका सेट क्लोज क्या होगा, एक तो सबसे पहले ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का मीन्स क्या होता है कि आपकी ए की जो वैल्यू यानी इस सेट यानी ये जो सेट दिया हुआ है ए से छोटा कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, इसका कोई भी छोटा एलिमेंट नहीं होगा, ऐसे ही आपका ए एन से कोई बड़ा एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका अर्थ होता है कि बाउंड्री निश्चित हो गई, यहाँ पे ए वन आएगा तो यहाँ पे आपका ए एन इससे आगे नहीं जाएगा, ना इससे ऐसे पहले जाएगा नहीं होगा, और ना ही आपका इससे आगे एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सब इस सेट में प्रेजेंट हो गए आ जाएंगे। अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है कि इंटीरियर पॉइंट्स कॉन्टेन ऑल इट्स इंटीरियर पॉइंट्स, तो कॉन्टेन करेगा कि अंदर जितने पॉइंट्स हैं आपके इस सेट के वो सब सब आती है इसमें, इंटीरियर पॉइंट भी होते हैं,
दूसरा बाउंड्री पॉइंट, यानी से बैठ देखते हैं फिर आंसर। बाउंड्री पॉइंट, हाँ बाउंड्री पॉइंट पे आएंगे। बाउंड्री पॉइंट पे कौन कौन सा, ए वन और ए एन भी है, तो बाउंड्री पॉइंट्स भी आते हैं इसमें। जब बाउंड्री पॉइंट का नाम ले दिया तो इसका इंटीरियर पॉइंट अपने आप इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स आपके ये होते हैं कि जो आपका सेट में तो होते हैं लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसका मीन्स ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में जो बेस्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा आपका, वो बाउंड्री पॉइंट होगा, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट में इंटर पॉइंट अंदर ही इसके इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं। तो इन दोनों में से जो बेस्ट है, जो ऑप्शन दिया हुआ है, वो आपका बी है। यदि बाउंड्री पॉइंट ना दिया होता तो फिर आपका इंटीरियर पॉइंट आपका आंसर होता। क्लियर, नेक्स्ट आ जाइए। एवरी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ए कॉन्वेक्स सेट इज ऑलवेज ए, जो आपका एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं किसी भी सेट के, वे हमेशा क्या होते हैं, वे आपके बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं। ये ध्यान रखना है, ये डेफिनेशंस है कि एक्सट्रीम पॉइंट्स की, कि एवरी एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ ए कॉन्वेक्स सेट इज ऑलवेज ए बाउंड्री पॉइंट, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू क्या नहीं होगा, कि एवरी बाउंड्री पॉइंट इज नॉट ऑलवेज एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ए कॉन्वेक्स सेट, यानी बाउंड्री पॉइंट तो रखे हैं लेकिन वो एक्सट्रीम पॉइंट नहीं कहलाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना है इसमें कि यदि एक्सट्रीम पॉइंट है तो बाउंड्री पॉइंट होंगे, यदि बाउंड्री पॉइंट है तो मेयर नोट में भी एक्सट्रीम पॉइंट्स। नेक्स्ट है लिमिट पॉइंट्स, इसमें होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पे जो होता है कि ऑल एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ ए कॉन्वेक्स सेट इज आल्सो बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ दैट सेट्स। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट नहीं है इसमें, ए एंड बी बोथ इसके ऑप्शन में नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका आ गया। नेक्स्ट आ जाइए, इस क्वेश्चन में आपका देखिए ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है 101%। एक क्वेश्चन तो आपको पूछे पूछा जाएगा इस टाइप का कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स ऑफ द सेट, एक सेट दे रखा है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका अर्थ होता है कि आपका, हम एक एलिप्स बना के चलते हैं, ये एलिप्स हो गया, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, x डैश y डैश। ठीक है, और ये आपका ओरिजिन, ये फर्स्ट फोकस और ये सेकंड फोकस। इसमें जो डिस्टेंस आपके यहां से तक की है वो a है, माइनस a, ये b होती है और ये माइनस का b, ये जीरो होगा आपका इस पॉइंट्स पर। अब इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका मीन्स क्या है कि बाउंड्री पॉइंट है, सारे जितने बाउंड्री पॉइंट है इसमें सब एग्जिस्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ो, आगे करो, ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन निकालना है ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ दीज सेट, इस सेट्स के। तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे, कॉन्वेक्स सेट कैसे बनाएंगे, कि आप सपोज करो एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों को मिलाने के बाद में इस लाइन पर जितने भी पॉइंट आएंगे वो सभी के सभी इसी सेट में होने चाहिए जो आपका दिया हुआ है। और इस सेट को नोटेशंस कौन सा करेगा, यानी कौन सा कॉम्बिनेशन नोटेशंस करेगा, कि एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर भी आएगा, इसमें जो साइन है लेस देन एंड इक्वल 1 होगा, यानी बाउंड्री भी तो होगी साथ साथ इसके इंटीरियर पॉइंट जितने भी होंगे वो सब पॉइंट इसे क्या कहलाएंगे, इसमें ये इस सेट में लाइज करेंगे। तो ये आपका क्या आएगा, द सेट द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सेट्स कहलाएगा, जब ये कंडीशंस को होल्ड करें। वो लेस देन वाला नहीं होगा, लेस देन वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू यहाँ पे कंडीशन साथ दी हुई है, तो ये लेस देन वाला इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, क्यों, क्योंकि ये आपका बाउंड्री पॉइंट में छूट जाएंगे, तो इसका मीन्स ये इसका आंसर नहीं होगा। लेस देन इज इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी ग्रेटर देन 1 नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, यदि हम इस एरिया के बाहर कोई पॉइंट लेके चलें, यहाँ पे लेके चलें, इन दोनों को मिलाएं, लाने के बाद में तो जो आपके अंदर पॉइंट आए ये इसके अंदर आ गए और इसी लाइन पर प्रेजेंट है, और कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस लाइन पर यानी ए और बी लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी के सभी सेट पर प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसका मीन्स क्या हो गया, इसको ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ना ही आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, यानी बी होगा। तो ये ध्यान रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, या ऐसे भी दे सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है,
तो बताना है कि कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सेट्स, तो क्या होगा उसमें बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी एक सर्किल बनेगा, उस सर्किल के अंदर जितने पॉइंट आएंगे जिसकी रेडियस ए है वो आपका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाएगा। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बेटा इस टाइप का 101% आता है एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एरिया इज नॉट ए, क्या रखा है आपका इज नॉट ए, क्वेश्चन में दे दिया आपको साथ साथ ध्यान देना है क्या है आपका कि इज नॉट, ये भी पढ़ना है क्वेश्चन में, कभी आप ये पढ़ लो कि कॉन्वेक्स सेट है तो कॉन्वेक्स सेट तो आप, और फिर आपका आंसर गलत हो जाए। इट इज नॉट ए कॉन्वेक्स सेट, यानी कॉन्वेक्स सेट कौन सा नहीं है। कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि आप कोई भी उस सेट से दो पॉइंट लेके चलेंगे, उन दोनों पॉइंट में हम लाइन ड्रा करें, एक लाइन सेगमेंट ड्रा करें, तो लाइन सेगमेंट पे जितने भी पॉइंट्स हम कंसिडर कर सकते हैं आप 1 2 3 4 5 जितने भी, तो वे पॉइंट भी सभी के सभी उसी सेट को बिलोंग करने चाहिए। यदि एस बिलोंग्स टू ए एंड बी, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, यदि एक्स बिलोंग्स टू ए बी, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि जो इनके बीच में पॉइंट्स आ गए x बिलोंग्स टू यानी ओपन ओपन इंटरवल ए बी, तो x इन इसमें लाइज होना चाहिए। तो पहला वाला जो पोर्शन है कहीं भी दो पॉइंट लेके चल लो, कहीं भी आप दो पॉइंट लेके चले लाइन ड्रा करें वो आपको उसी सेट के अंदर रहेगा, कहीं पे भी लेके चलें कहीं से मिला दें तो सभी पॉइंट आपके सेट के अंदर है, तो इसका मीन्स ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स सेट है। ऐसी आपका ये कहीं भी दो पॉइंट लेके चले कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में किसी भी उसमें, तो सारे सभी उसी लाइन पे जितने भी पॉइंट ड्रा होंगे वो उसी सेट के अंदर है यानी क्यू के अंदर है, तो ये भी कॉन्वेक्स है। ऐसे ही आपका आर है, आर के अंदर भी हम जितने भी एक लाइन ड्रा करें पॉइंट्स को लेकर के, वो सब आपके किस में इस सेट के अंदर, कोई बाहर नहीं जा रहा है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा कॉन्वेक्स कहलाएगा। लेकिन जो आपका एस है इसमें यदि एक पॉइंट हम यहाँ लेके चलते हैं और दूसरा पॉइंट हम यहाँ लेके चलते हैं दोनों को मिलाते हैं, तो इसमें जो ये पॉइंट आपके आ रहे हैं ये इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका कहलाएगा नॉट कॉन्वेक्स। तो ये ध्यान रखना है आपका, इसमें ऑप्शंस क्या है, पी कॉन्वेक्स है, क्यों कॉन्वेक्स है, आर कॉन्वेक्स है, लेकिन एस आपका कॉन्वेक्स नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह की शेप ये भी, इस तरह की शेप भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है, इस तरह की शेप, ये शेप, ये बताइए कि ये शेप आपकी कॉन्वेक्स है या नहीं है। तो बेटा यही सेम जैसे हमने एस वाली पढ़ी है, तो ये भी सेम आ जाएगा, इसमें दो पॉइंट चलो इन दोनों को मिलाएं, तो इसमें जो आपका खाली पोर्शन है इसमें जो इतने पॉइंट्स आए हैं इसको सेट को लाइज नहीं कर रहे हैं, तो इट इज नॉट ए कॉन्वेक्स सेट। दैट्स क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, एस वन एस टू एस थ्री आर द प्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइज इन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ ए टू डायमेंशनल स्पेस, देन द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्वेक्स। अब देखो इसमें क्वाड्रेंट कैसे बनता है, ऐसे बनता है, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स डैश हो गया और ये आपका वाई डैश हो गया। इसमें एस वन प्रेजेंट करता है, ये एस टू प्रेजेंट करता है, ये एस थ्री करता है, ये आपका एस फोर करता है। अभी हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 15 में, वो इससे हम यहाँ पे हैं। यदि हम एस वन अपने आप में कॉन्वेक्स है, एस टू भी अपने आप में कॉन्वेक्स है, एस थ्री भी अपने आप में कॉन्वेक्स है, एस फोर भी कॉन्वेक्स है। अब इसमें देखते हैं कि यदि हम S1 S2 को एक साथ लेकर चलते हैं तो S1 यूनियन S2 ये भी कॉन्वेक्स होगा, यदि हम S3 यूनियन S4 लेकर चलते हैं तो ये भी आपका कॉन्वेक्स होगा, ऐसे आपका S1 S4 लेकर चलें कॉन्वेक्स, S2 लेकर S3 लेकर चलें तो ये भी कॉन्वेक्स होगा। अब क्वेश्चन में आपका यहाँ देखें S1 अपने आप में कॉन्वेक्स है यानी ये आपका कॉन्वेक्स सेट होगा, S1 यूनियन S2 ये भी आपका कॉन्वेक्स होगा, S1 यूनियन S2 यूनियन S3 ये आपका कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो ये पूरा कवर है, ये पूरा कवर है, ये पूरा कवर है, यदि हम इस सेट में से एक पॉइंट यहाँ पे लेके चलें और इस सेट में एक पॉइंट यहाँ पे लेके चलें, इन दोनों को लाइन सेगमेंट ड्रा करें, तो लाइन सेगमेंट ड्रा करने के बाद में जो आपका ये S4 में पॉइंट है, जबकि S1 S2 S3 में नहीं है, लेकिन इसमें किसमें S4 में है, तो इसमें हमें क्या करना है कि जब S4 में नहीं है तो ये इसको एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इज नॉट ए कॉन्वेक्स सेट, यानी ये जो आपका कहलाएगा नॉट कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा, नॉट कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। लेकिन जो आपका एस डी डी वाला पोर्शन है इसमें चारों रखे हैं, तो यानी ये भी दिया तो इसका मीन्स चारों की जो यूनियन है वो कॉन्वेक्स है, यानी आपका डी भी कॉन्वेक्स है।
तो इसमें पूछा गया है कि नॉट कॉनवेक्स, कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये डी ऑप्शन हो जाएगा कि ये आपका कॉनवेक्स सेट नहीं है। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ इफ एस वन एंड एस टू बी टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट कॉनवेक्स सेट्स एंड एस इक्वल टू एक्स वन एक्स टू सच दैट एक्स वन बिलोंग्स टू एक्स वन और एस टू बिलोंग्स टू एस टू देन एस इज। देखो आपका जब ये कंडीशंस दी हुई है दोनों कंडीशंस में कि S1 और S2 आपका यहाँ पे दिया हुआ है नॉन एम्प्टी है और दोनों डिसजॉइंट हैं, तो इसका मींस क्या हो जाएगा, यानी इस टाइप के जो क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशंस हम जो निकालते हैं वो हमें क्या मिलेगा। तो ये देखिए, ये आपका कॉन्वेक्स होता है, क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स, क्योंकि एक ऑप्शन दे रखा है इसमें कॉन्वेक्स सेट, फाइनाइट भी होगा उसे जो क्लोज और ओपन उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें आप एलिमेंट किस तरह के हैं, कि भी यानी एस वन ओपन सेट है या एस टू आपका ओपन सेट है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है कि टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट कॉन्वेक्स सेट्स दिए हुए हैं, दोनों अलग अलग हैं और दोनों क्या है नॉन एम्प्टी है और डिसजॉइंट है और कॉन्वेक्स सेट्स हैं, तो ये आपका इन दोनों का सबट्रैक्शंस भी, यानी एस एक्स वन माइनस एक्स टू इन एलिमेंट्स का सबट्रैक्शंस जो एक पहले में एक दूसरे में है, तो जो इस प्रकार मिलेगा वो भी कॉन्वेक्स सेट कहलाएगा। दैट्स क्लियर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉन्वेक्स कहलाएगा और ये आपका क्या कहलाएगा एंड, डज नॉट कंटेन द ओरिजिन, यानी आपका ओरिजिन नहीं होगा, यानी x1 माइनस x2 सबट्रैक्ट कर दें तो कोई ना कोई नंबर होगा यानी जीरो नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉन्वेक्स हॉल ऑफ द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ एलिप्स इज द, कॉन्वेक्स हॉल निकालना है आपका। अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था इक्वल वाले पोर्शंस में, एक यदि हम इलिप्स की इक्वेशन लेकर चलते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए कि इसके अंदर पॉइंट भी और बाउंड्री पॉइंट भी सभी इसमें इन्वॉल्वमेंट होने चाहिए। तो कितने पॉइंट आपके आएंगे कि पॉइंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ एन एलिप्स इज द, क्या जाएगा इसका इस पोर्शंस में, ये आपका होल एलिप्स हो जाएगा, यानी पूरा पूरा जो एलिप्स है उसके बाउंड्री पॉइंट्स भी और इंटीरियर पॉइंट्स भी सबका आ जाएगा। इंटीरियर से काम नहीं चलेगा, बाउंड्री पॉइंट लेके चलना है, इसे बाउंड्री पॉइंट ऑफ द एलिप्स, ये भी आपको बाउंड्री बाउंड्री से नहीं चलेगा। यदि आपका क्वेश्चन आता है कि इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द एलिप्स, बाउंड्री पॉइंट ऑफ द एलिप्स और ये होल एलिप्स ना होकर के यहाँ पे लिखा होता ए, यानी ये ऑप्शंस में यदि ये ए ए लिखा होता, ये बी लिखा होता और सी ऑप्शंस में आपका आ जाता कि ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ और नन ऑफ दीज, तो इसमें ऑप्शन फिर होता ए एंड बी बोथ यानी सी ऑप्शंस। क्लियर, यानी क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछ सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स में लेके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस वन नोटेशंस करता है आपका एक सर्किल को, देखो ध्यान से, सपोज करो ये आपका एक सर्किल है जिसकी रेडियस ए है, एक आपका सेकंड एलिप्स दे रखा है और कंडीशन दे रखी है कि ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है तो उसका मीन्स बी छोटा है, तो ये आपका इलिप्स हो गया। ठीक है, एक इलिप्स है, ये बी पॉइंट है, ये इसके ये इलिप्स हो गया और ये पूरा पूरा एक सर्किल हो गया। क्या देखना है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट ए कॉन्वेक्स सेट, यानी इनमें से बताना है कि कौन सा कॉन्वेक्स सेट नहीं है। अब देखो बेटा, पहले कंडीशन में क्या है आपका, एस वन अपने आप में अलग कॉन्वेक्स सेट है, S2 भी अपने आप में कॉन्वेक्स सेट है, इन दोनों का जो हम यूनियन निकालने लगे तो ये भी कॉन्वेक्स सेट कहलाएगा, यानी पूरा पूरा जो सेट आपका सर्किल बन ही जाएगा, ये भी कॉन्वेक्स होगा। S1 अपने आप में है, S2 भी अपने आप में है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, नन ऑफ दीज, क्योंकि सभी ऑप्शंस कॉन्वेक्स हैं, यानी S भी कॉन्वेक्स हो गया, S2 भी आपका कॉन्वेक्स हो गया, इन दोनों का यूनियन भी आपका कॉन्वेक्स हो गया क्योंकि दोनों इन्वॉल्वमेंट हो गए, लेकिन जो अब आपका ये बचा है नन ऑफ दीज, तो इसका मीन्स क्या होगा, नन ऑफ दीज में तो आएगा नहीं क्योंकि सभी सभी कॉन्वेक्स सेट है और नोट पूछ रखा है, तो इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो ये भी आपका ध्यान रखना कि नॉट कॉन्वेक्स दिखाना है इसमें कि ये आपका नॉट कॉन्वेक्स है। नेक्स्ट आपका आ जाएंगे
20 क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन में से स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। इसमें देखो क्या क्या है आपका, यानी स्टेटमेंट में क्या रखा है कि एक्सट्रीम पॉइंट्स, क्या रखा है आपका कि एक्सट्रीम पॉइंट्स इज ए बाउंड्री पॉइंट ऑफ द सेट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी हमें दिखाना कि स्टेटमेंट इज करेक्ट कौन सा है। एक्सट्रीम पॉइंट इज ए बाउंड्री पॉइंट ऑफ द सेट, हाँ होता है एक्सट्रीम पॉइंट आपका। एक्सट्रीम पॉइंट कैन नॉट बी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सेट। तो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होता है वो हमें पता है कि किसी दो पॉइंट के सेट के बीच में नहीं होता है, वो अपने आप में बाउंड्री पॉइंट होता है, ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा बोथ ए एंड बी बोथ, देखो दोनों ऑप्शन हैं और दोनों ऑप्शन में क्या आ गया आपका, सी ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें आपको दे रखा है नन ऑफ दीज, इसमें कोई नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है कि डी वाला पोर्शन नहीं होगा। क्लियर हो गया यहां तक का, ये आपके क्वेश्चन हैं, ये 20 क्वेश्चन हैं, ये पार्ट ए में लेके चलते हैं, पार्ट बी आपका नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। इसमें कोई जो दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।